राइट सो आपकी आउटफिट जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक्सेसरीज नहीं पहनी ना उसके साथ तो आपकी आउटफिट लगने वाली है कम्प्लीटली इनकम्प्लीट। अब चाहे वो फॉर्मल आउटफिट हो या फिर हो कैजुअल आउटफिट, अगर आपने एक्सेसरीज नहीं पहनी ना तो हमेशा आपको ऐसे लगेगा यार सब कुछ है बट कुछ तो बाकी है। एक्सेसरीज पहनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी एक्सेसरी कब पहननी है, बिकॉज अगर आप फॉर्मल के साथ वो वाली एक्सेसरीज पहनोगे जो एक कैजुअल के साथ वर्क करती है तो आपका पूरा लुक। और आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको 6 ऐसी एक्सेसरीज बताने वाला है जो आपके पास जरूर 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 होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सीधा चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। सबसे पहली एक्सेसरी आती है वॉच। देखो वॉच पहनने के बाद आपका जो लुक और आपकी जो स्टाइल है वो ऑब्वियसली ऊपर जाने वाली है, लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो अपनी वॉच को सिलेक्ट करने में या उसे परचेज करने में तो ये जो स्टाइल ऊपर जाने वाली थी ना वो नीचे भी आ सकती है। आप लोग जब भी वॉच खरीदने जाओ ना तो ये दो चीजों का ध्यान देना। सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर कि जो आपकी वॉच है ना हो सके तो थोड़ी सी महंगी ले लो, बिकॉज अगर महंगी वॉच होगी तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू जो सस्ती वाली 100-200 रुपए वाली वॉच आती है उससे तो ऑब्वियसली लाख गुना ज्यादा बेटर होगी। अब देखो एक अच्छी वॉच जो होती है ना वो आपके 200 रुपए के शर्ट को भी महंगा दिखा सकती है, और अगर आप कोई गंदी सी वॉच पेयर कर लोगे जिसका लेदर उतना अच्छा नहीं है या फिर जिसका डायल बहुत ज्यादा खराब है वो आपके महंगे से महंगे शर्ट को भी एकदम सस्ता बना सकती है, और थोड़ी सी महंगी वॉच ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कभी भी वॉच बहुत ही ज्यादा फंकी या बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश नहीं लेनी है। कुछ इस टाइप की वॉचेस है ना ये आपको अवॉइड करनी है। यहां पे एक चीज समझना कि मैं आपको स्टाइलिश वॉच के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मना कर रहा हूं ये जो बचकानी वॉचेस है ना इनसे दूर रहना सीख जाओ। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वॉच है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए, तो मैं आपको दो वॉच बता रहा हूं, एक आपके फॉर्मल के लिए और दूसरे आपकी कोई भी आउटफिट के लिए। फॉर्मल के लिए हो सके तो इस टाइप की जो लेदर स्ट्रैप वाली वॉच आती है आप प्लीज वही लिया करो, और सेकंड आप अपने कैजुअल आउटफिट के लिए कुछ इस टाइप की कैजुअल वॉच का यूज कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं एक फॉर्मल के साथ, मैं ये दोनों वॉच पहन के दिखाता हूं आप खुद देख पाओगे कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है। ज्यादा नहीं बट ये दो तरह की वॉच आपके पास जरूर होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सेसरी आती है बेल्ट। बेल्ट स्टाइलिंग के लिए भी है और एसेंशियल भी है। पहले ना मेरी ये आदत थी कि अगर मैं मेरे शर्ट को ओपन रख रहा हूं ना तो मैं फिर बेल्ट नहीं पहनता था, बिकॉज ऑब्वियसली दिखने नहीं वाला है, लेकिन उसके बाद मैं क्या करता था मेरी जींस को बार बार, और ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती है। तो आपको बेल्ट सभी के साथ पहनना है, जिस पैंट के अंदर आपको बेल्ट के हुक्स दिए गए ना उसमें बेल्ट पहन ही लिया करो। अब बात करते हैं आपके पास कौन से बेल्ट होने चाहिए, मैं आपको 3 बेल्ट बताता हूं जो आपके पास जरूर होने चाहिए। सबसे पहला आता है ब्लैक लेदर बेल्ट, सेकंड एक ब्राउन लेदर बेल्ट, तीसरा आता है कैनवास का बेल्ट। कैनवास के जो मल्टी कलर बेल्ट आते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, आप इसे ऑलमोस्ट किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो आपकी कैजुअल आउटफिट नॉट विद फॉर्मल, और आप अपनी फॉर्मल आउटफिट के लिए ब्लैक या फिर जो ब्राउन लेदर का बेल्ट था उसे यूज कर सकते हो। अब यही दो कलर मैंने क्यों सिलेक्ट किए, बिकॉज यही दो कलर के जो जूते है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली हमारे पास होते हैं, और एक छोटा सा रूल है कि आपके जो शूज का कलर है और आपके जो बेल्ट का कलर है वो मैच होना चाहिए। तीसरी एक्सेसरी आती है ब्रेसलेट। अब आपने एक हाथ में तो वॉच पहन ली लेकिन अब एक हाथ अगर खाली खाली रहेगा ना तो वो मजा नहीं आएगी, तो इसके लिए आप एक ब्रेसलेट का यूज कर सकते हो। मैं आपको दो ब्रेसलेट बताता हूं जो आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। पहला ये इस टाइप का कुछ कड़ा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मल के साथ पहनना है, सेमी फॉर्मल के साथ भी कर सकते हो, अब करने को तो आप इसको कैजुअल के साथ भी कर सकते हो बट ये सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्मल के साथ लगेगा। अपनी कैजुअल आउटफिट के साथ आप इस टाइप का कुछ रिस्ट बैंड यूज कर सकते हो। चौथी एक्सेसरी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए वो एक अच्छी क्वालिटी का सनग्लास। एक अच्छे सनग्लासेस आपकी आंखों को प्रोटेक्ट तो करते ही है लेकिन साथ में आपकी जो स्टाइल है उसे भी एनहांस करता है। एक और चीज, फर्स्ट कॉपी ग्लासेस कभी मत खरीदना, जो यहां पे नकली सा रेबन लिखा हुआ आता है ना जो ऐसे ऐसे करने पे निकल भी जाता है वो आपकी स्टाइल को बढ़ाने नहीं वाले। पांचवी एक्सेसरी आती है रिंग। अब रिंग कौन सी लेनी है उससे पहले मैं ये बता दूं कौन सी देखनी भी नहीं है। अगर आपने कुछ फॉर्मल पहना है ना तो इस टाइप की एक रिंग बहुत है, और आप अपनी दूसरी किसी आउटफिट के साथ ये सारी रिंग्स पेयर कर सकते हो। अब रिंग्स तो ऑलमोस्ट वही है लेकिन फॉर्मल के अंदर हमने सिर्फ एक रिंग पहनी थी, जबकि किसी कैजुअल आउटफिट के साथ आप 3 रिंग पहन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आपको डार्क स्पॉट है या फिर पिंपल के निशान रह गए हैं उसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, दो ऐसी मजेदार चीज है मेरे पास जो आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले आती है वाओ की एंटी एक्ने सीरम। थोड़ा सा सीरम लेना है और आपको
जहां पे पिंपल हो रखा है उसके ऊपर सिर्फ अप्लाई करना है। रात को अप्लाई करके सो सकते हो, थोड़ी सी क्वांटिटी में अप्लाई करना है और सुबह उठ के वॉश कर लेना। नोटिस करोगे आपका पिंपल बहुत ज्यादा कम हो चुका है। वाओ का एंटी एक्ने फेस सीरम इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नीम ऑयल है, सेकंड चीज इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी है। दूसरी चीज, अगर आपके पिंपल जा चुके और उनके निशान रह गए हैं तो वाओ की ब्लेमिश केयर फेस सीरम आपके बहुत काम आएगी। इसे भी आपको सेम अप्लाई करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया और जो इफेक्टेड एरिया है जहां पे डार्क स्पॉट है या फिर जहां के पोर्स आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं तो वहां पे आपने इसको अप्लाई किया, ठीक है, डैब डैब किया और इसको छोड़ दिया। सुबह उठ के आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लो। वाओ के एंटी एक्ने फेस सीरम और वाओ की ब्लेमिश केयर सीरम, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स है या फिर वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कंप्लीटली नेचुरल है, उनके अंदर कोई भी केमिकल, पैराबेन, सल्फेट ऐसी कोई भी हार्मफुल चीजें यूज नहीं की है, कंप्लीटली नेचुरल चीजों से बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको वाओ एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। एक्सेसरी नंबर 6 आती है एक लॉकेट या फिर एक चेन। अब देखो ये जो एक्सेसरी है ना, इसको आप फॉर्मल के साथ बिल्कुल भी पैर करने का सोचना भी मत। सबसे पहले इस टाइप का जो लॉकेट है ये आप अपने शर्ट के साथ या फिर अपने टी शर्ट के साथ इजिली पैर कर सकते हो। और सेकेंड, जो इस टाइप की चेन है इसके लिए आपको टर्टल नेक या फिर हाई नेक वाला जो टी शर्ट है आपको वो चाहिए। एंड लॉकेट लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखे कि सिंपल और सोबर सा हो, बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला ना हो। ये थी वो 6 एक्सेसरी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है मुझे आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर अपने कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।